हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी दिनों से हमें अपने एडमिट कार्ड का इंतजार था जो कि अभी तक नहीं आ रहा था। तो आज जो है अपना एडमिट कार्ड का एक लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि आप वहां पर जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप का एडमिट कार्ड का यानी कि लिंक प्रोवाइड कराया है तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और वहां पर सर्च करना है upjeecup.nic.in। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पहली वाली साइड ओपन हो जाएगी, ये jeecup.nic.in। तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद एक अपनी यानी कि साइड ओपन हो जाएगी जो कि अपने upjee की यानी कि upjee 2020 की साइड है। तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले एक जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है जो कि है ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 7 सितंबर 2020 आप परवानी यानी कि 2 बजे के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब जो है इन्होंने कुछ ग्रुप के लिंक प्रोवाइड भी कर दिए हैं वो जो कि इन्होंने इस टाइप से दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड ग्रुप ए थ्रू एप्लीकेशन नंबर विद एंड पासवर्ड। तो यहाँ से जो है आप अपना ग्रुप ए का एडमिट कार्ड यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं पासवर्ड भी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यानी ग्रुप ए वालों को इस लिंक पे क्लिक करना है और ग्रुप E1 और A2 वालों के जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है और ग्रुप ए यानी कि ग्रुप ए थ्रू एप्लीकेशन नंबर एडमिट कार्ड विद यानी कि डेट ऑफ बर्थ के साथ यानी कि आप अपनी जन्मतिथि के साथ भी यानी कि अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रुप E1 और E2 तो यहाँ पे जो है अभी जो है तीन ग्रुप के लिंक प्रोवाइड कराए हैं जो कि A1 है ग्रुप और ग्रुप E1 और E2। ठीक है, ये जो है अभी यानी कि इन्होंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं और कल तक जो है यानी मतलब 7 सितंबर तक आपको सभी लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप जो है यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि यहाँ तक के अभी नहीं कुछ भी नहीं मालूम है कैसे जाएंगे तो सब कुछ यानी कि मैंने इस वीडियो में भी क्लियर कर दिया है। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप जो है देखिए इन नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर पर हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप वहाँ से अपने सीधे जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, कोई भी एक साइट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। तो अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्मतिथि डाल दीजिए और सिक्योरिटी पिन। अब सिक्योरिटी पिन की बात आती है, सिक्योरिटी पिन जो है आपको नीचे दिया गया है जो कि कैप्चा के थ्रू है, तो इसको जो है आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन के आधार पर डाल दीजिए और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आपके सामने हो आ जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से यानी कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे तरीके से यानी कि क्लियर हो गया तो आप यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करिए, जो भी कुछ डाउट होगा मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट में भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं एग्जाम के बारे में या अपने एडमिट कार्ड के बारे में। तो आई होप स्टूडेंट, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ओवर स्टूडेंट।